फिरोजाबाद में क्षत्रिय महासभा की प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें संगठन के लोगों ने बताया यह प्रतिवर्ष के भांति इस वर्ष भी क्षत्रियों के एकमात्र पर्व विजयदशमी पर शस्त्र पूजन का कार्यक्रम जनपद के एका कस्बे में जिलाध्यक्ष युगल चौहान के नेतृत्व में किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला पंचायत सुमित प्रताप सिंह एवं जिलाध्यक्ष भाजपा उदय प्रताप सिंह और राष्ट्रीय सचिव क्षत्रिय महासभा एडवोकेट दलबीर सिंह तोमर को विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। फिरोजाबाद से एसके चित्तौड़ी के साथ सुनील कुमार की खास रिपोर्ट, एसके न्यूज। क्षत्रियों का एकमात्र कार्यक्रम जो विजयदशमी दशहरा के पर्व पर मनाया जाता है, शस्त्र पूजन, आज का पावन पर्व जो 24 तारीख को मनाया जा रहा है दशहरा के रूप में, ये अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा जिला फिरोजाबाद द्वारा एका कस्बे में मनाया जा रहा है भव्य शस्त्र पूजन समारोह, जिसका पता है बांके बिहारी रिसोर्ट एका, जिसमें मुख्य अतिथि इंजीनियर सुमित प्रताप सिंह जी एवं विशिष्ट अतिथि माननीय जिलाध्यक्ष भाजपा उदय प्रताप सिंह जी एवं राष्ट्रीय सचिव अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा श्री दलबीर सिंह तोमर जी के रूप में इन लोगों को रखा गया है। और बड़े भारी हर्ष और उल्लास से हमारा संगठन इस कार्यक्रम को करने जा रहा है। हमारे तमाम जिले के पदाधिकारी जैसे टूलडा तहसील प्रभारी राहुल चौहान जी, सिरसागंज तहसील अध्यक्ष श्री अनुज धागरे जी, एका ब्लॉक अध्यक्ष नरेंद्र चौहान जी, जसराना तहसील अध्यक्ष अरुण चौहान जी एवं महानगर से माननीय महानगर अध्यक्ष श्री विजय सिंह गौर जी, तहसील अध्यक्ष अभिषेक जादौन जी, हमारे जिला प्रभारी श्री दिनेश जादौन जी, ये सभी लोग कार्यक्रम को भरपूर तरीके से मना रहे हैं। विजयदशमी पर्व क्षत्रियों का एकमात्र और ऐतिहासिक पर्व है जो भगवान राम ने आतंकी रावण को पराजित कर अधर्म के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ धर्म की स्थापना की थी और छात्र धर्म को इस संसार में पुनर्जागृत कर एक मजबूत स्तंभ के रूप में खड़ा किया था। उस संबंध में अपने पुरखों की परंपराओं का मान मर्यादा और परंपराओं को जीवित रखने के लिए हम ये काम कर रहे हैं एवं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, जनपद के क्षत्रियों तक ये मीडिया के माध्यम से संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि इस कार्यक्रम में शामिल हों। जिस तरह हमारी टीम दिनों रात एक करके मेहनत कर रही है, हमें ऐसी आशा है कि कार्यक्रम में लगभग हज़ारों की संख्या में भीड़ होगी, हमारा भव्य कार्यक्रम होगा और आप सबका सहयोग चाहते हैं कार्यक्रम को भव्य बनाने में और तमाम क्षेत्रवासियों से, जनपदवासियों से हम कार्यक्रम में शामिल होने की आशा रखते हैं।